बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम देखने वाले। आज हम बनाने जा रहे हैं चना अंडा की रेसिपी। ये रमज़ान में आपको बहुत ही सहूलत देगी क्योंकि ये बहुत फटाफट से बन जाती है। हमने लिए आधा किलो चने जिसे हमने बॉईल कर लिया है, और बॉईल करते वक्त एक चम्मच नमक को शामिल किया था। कटी प्याज हमने ली है और इसे हम आधा कटोरी ऑयल में शामिल करेंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जो हमें शो करती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होता है, हमने एक चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल किया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलर आने लग गया है। और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ब्राउन, हमने अपने टमाटरों को शामिल कर देना है। टमाटर एक था, इस तरह से हमने काटा हुआ था, और टमाटरों को हम अच्छे से गला लेंगे और ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसमें दही को शामिल करेंगे। दही में भी इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे और साथ में हम अपने सूखे मसालों को शामिल कर देंगे। आप मसालों को बता देते हैं कौन कौन से चाहिए। एक चम्मच नमक है, एक चम्मच मिर्चें हैं, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च है, एक चम्मच सूखे धनिया का पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी है और आधी चम्मच ही भुना कुटा ज़ीरा है। तो ये सारे मसाले आपने शामिल करने हैं, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। दही को थोड़ा सा भून के तब आपने मसाले शामिल करने हैं, कच्चे दही में नहीं करने। तो माशाल्लाह से सुभान अल्लाह कलर आ रहा है। मिर्चों को शामिल करेंगे, इस तरह से लंबी लंबी सी काट लीजिए। ये चने लाहौर के हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही मज़े के होते हैं। मसाला अच्छे से भून जाए, दही में अच्छे से भून जाए, तब आपने अपने चनों को शामिल करना, और चनों को भी इस मसाले में अच्छे से भूनना है। पहले मैंने आपको बता दिया था, चनों में हमने एक चम्मच नमक पहले ही शामिल कर दिया था उसे बॉईल करते वक्त। अच्छे से बॉईल हुए हैं और अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। जब मसाले में भी चने भुन जाएं अच्छे से, तब आपने तकरीबन 2 कप पानी लगा देना है। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितने गाढ़े रखने हैं। हमने थोड़ी देर दम दिया था तो अब हम इसमें हरी मिर्चों को शामिल करेंगे। गरम मसाले को एक चम्मच शामिल करेंगे और एक चम्मच हम इसमें तकरीबन शामिल करेंगे, ये है काली मिर्चों का पाउडर है। अदरक आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। इन सारे मसालों को शामिल करके भी हम थोड़ी देर इसे ढाँप देंगे, दम दे देंगे। तो माशाल्लाह से इसके बाद हमारे चने रेडी हैं। डिश आउट करके आपको दिखा दिया है। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से कितनी ईजी सी रेसिपी है और कितनी आसान है, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। रमज़ान में सहरी में बहुत आपको काम आएंगी और बच्चे बड़े सारे ही पसंद करेंगे। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं लाहौर द किचन।